सबको जय मसीह की। आनंदित हैं? कितने आनंदित हैं? कितने आनंदित हैं? बहुत बहुत। सीमा नहीं है क्या? अपने आनंद परमेश्वर के लिए ताली बजा के दिखा सकते हैं? ईश्वर देता है वो संसार की कोई ताकत नहीं दे सकती। वो शांति जो परमेश्वर देता है इस संसार की कोई ताकत नहीं दे सकती। वो प्रेम जो परमेश्वर ने किया इस संसार का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। हम उस परमेश्वर के नजदीक हैं। और हमने इस पूरे साल अगर हम शुरुआत से देखें 2020 में जब हमने एंटर करा तो परमेश्वर ने अपने हाथों हाथ हमें संभाला, अपने वचन से बातें करी, अपना अनुग्रह हम पर प्रकट करा और हर बातों में परमेश्वर ने संभाल कर रखा। आज हम थोड़ा सा अपने आप को रिवाइंड करके देखेंगे इस पूरे साल में हमने क्या खोया और क्या पाया, क्या हम हमारे जीवन से छूट गया और हमने क्या नया लिया है परमेश्वर की ओर से। हम जानेंगे कि प्रभु कि किस तरीके से आपने इन परिस्थितियों में, ऐसी परिस्थिति जो शायद हमारी लाइफ में पहली बार हुई कि पूरा विश्व अपनी जगह सिमट गया, हर एक व्यक्ति जहां था वहीं ठहर गया, सब कुछ बंद हो गया, कोई किसी से नहीं मिल सकता, कहीं नहीं जा सकता, उस परिस्थिति के अंदर आपके पास अगर कोई था तो वो था परमेश्वर। हम अपने जीवन में बहुत सी आशाएं लगाए रहते हैं कि बहुत से लोगों के साथ, बहुत सी आशाएं होती है कि मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे पास्टर, मेरी कलीसिया, बहुत कुछ होता है, लेकिन उस परिस्थिति में आपके पास कौन था सिवाय परमेश्वर, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर जानता था कि अब जब मैं तुम्हें अलग कर दूंगा तुम कितने ईमानदार हो। सभा में खड़े होना, तालियां बजाना, नाचना, कूदना सब करते हैं। कितने लोगों ने कमरा बंद करके नाचे, गाए और प्रभु के गीत गाए परमेश्वर और आपके बीच में। आज हम साल के अंत में है और मेरे ख्याल से लास्ट हफ्ता है ना, अगले हफ्ते हम नए साल में प्रवेश करने वाले हैं। चार दिन और है, आज 26 तारीख है ना, 27 तारीख है और चार दिन और है और चौथे दिन हम नाइट प्रेयर करेंगे और नाइट प्रेयर करके हम हर साल की तरह एक वचन शेयर करेंगे जो परमेश्वर की ओर से होगा, जो पूरे साल परमेश्वर हमें अपने वचन में और अपनी आज्ञा में लेके चलता है। और हम नए साल में प्रवेश करेंगे और उस प्रवेश करने से पहले जो ये चार दिन बचे हैं, इन चार दिनों के अंदर प्रभु कुछ चाहता है हमारे से। हम बहुत घूम लिए, अलग अलग जगह जाकर हमने एंजॉय करा, सब कुछ करा हमने, लेकिन ये आने वाले चार दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हम नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं तो हम पुराने वर्ष के अंदर जो भी हमारा बीता है, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, हमें उसको छोड़ना है। और जो परमेश्वर की ओर से है हमें उसको लेकर अगले साल में प्रवेश करना है। आमें, 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 आमें। आमें।
परमेश्वर हमें देने जा रहा है, और ये समय है आपस में हमें एक साथ बैठने का। जब मैं सुबह प्रार्थना कर रहा था, मेरी कोई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सारी तैयारी कर रहा हूँ, पूरा 15 दिन आपने देखा कि किस तरीके से बिजी शेड्यूल है। सुबह मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर मुझसे एक वचन से बातें करी कि परमेश्वर का प्रेम उससे बढ़कर कुछ और नहीं है। हालेलुया, उससे बढ़कर कुछ और नहीं है। हम संसार में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और बहुत से लोग कर्जे में भी आ गए इस साल, और बहुत से लोगों ने दूसरों के ऊपर दया भी करी और उनका पैसा लेके लोग चले गए। बहुत कुछ हुआ इस साल के अंदर, उतार चढ़ाव, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी परिस्थितियां, बहुत सारे अच्छे काम, बहुत सारे गलत काम, हर चीज इस संसार में इस साल हो रही थी। लेकिन उस परिस्थिति के अंदर परमेश्वर ने आपको और मुझको और अपने लोगों को संभाल कर रखा था, उसका अनुग्रह है। प्रभु से बोला कि प्रभु कि मैं नए साल में प्रवेश कर रहा हूं, ये कलीसिया नए साल में प्रवेश कर रही है, आप क्या बात करना चाहते हैं। प्रभु ने एक शब्द मुझसे, एक वचन से बातें करी, रोमियो 13वां अध्याय और उसका 8वां वचन ध्यान से सुनना। आज प्रभु एक नई जागृति हमारे जीवन में लेकर आना चाहता है। रोमियो 13वां अध्याय उसका 8वां वचन यहां लिखा हुआ है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना होना, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। शास्त्र में परमेश्वर ने इस बात को लिखा ताकि इस बात को अपने दास के द्वारा लिखवाया, और परमेश्वर ने एक बहुत गहरी बात हमें आज सिखानी चाहती है। परमेश्वर चाहता है कि हम एक गहराई सीख कर आज यहां से जाएं, और इस 4 दिन के अंदर बहुत कुछ परमेश्वर हमें करने के लिए आज्ञा देगा। बाइबल में लिखा है कि अपने आपस के प्रेम को छोड़, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना होना। हालेलुया, पड़ोसी को बोलो आप सुन रहे हैं, प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है कि आपस के प्रेम को छोड़ और किसी भी बात में किसी के कर्जदार ना होना। क्या हमने ऐसी स्थिति अपने जीवन में बनाई कि इस साल के अंदर हम किसी से इतना प्रेम कर सके और वो कहे नहीं मैं आपसे प्रेम करता हूं? हमारा रिश्ता ऐसा किसी से बना कि वो हमें ऐसे देखे एक प्रेम की नजर से कि हां ये परमेश्वर का जन है। प्रभु ने कहा जब मैं भूखा था, चेले बात कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह उनसे बात कर रहे हैं, और वो परिस्थिति ऐसी है और परमेश्वर उनसे बात कर रहा है, और वो कहता है कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे भोजन दिया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मैं जेल में था तुम मेरी सुधि लेने आए, जब मैं नंगा था तो तुमने मुझे वस्त्र दिए। चेले और यीशु, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से जब बातें करते थे बहुत गहराई से बातें करते थे, और चेले बोलते थे कि प्रभु हमने आपके साथ कब करा ऐसा, ना तो आप जब भूखे थे ना हमने खाना खिलाया ना पानी पिलाया ना ऐसा कुछ करा, ना आप जेल में गए तो हमने कब करा आपके साथ ऐसा। प्रभु ने बहुत सिंपल शब्दों में उनसे एक बात कही कि जब मैं इस पृथ्वी के एक भी व्यक्ति के साथ आप ऐसा करते हो, ध्यान से सुनना, पृथ्वी के किसी एक भी व्यक्ति के साथ ऐसा करते हो तो तुम मेरे साथ करते हो। हालेलुया, आज हम अंतिम पड़ाव में 2020, काफी लोगों ने इसको बहुत बुरा साल कहा, काफी लोगों ने कहा कि ये साल बहुत बेकार बीता, काफी लोगों इस साल के अंदर आत्महत्या करके इस दुनिया को छोड़ के चले गए,
काफी परिवारों ने भूख के मारे अपनी जान गवा दी। बहुत कुछ हुआ इस परिस्थिति के अंदर, उस परिस्थिति में परमेश्वर ने आपको और मुझे संभाले रखा। और प्रभु कहता है कि आपस के प्रेम, हम कहां हैं, हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है। बहुत से लोगों ने अपने अपने लोगों को दुश्मन बना लिया, अपने भाई को अपना दुश्मन बना लिया, अपने रिश्तेदार को अपना दुश्मन बना लिया, अपने दोस्तों को अपना दुश्मन बना लिया। और बहुत से लोग परमेश्वर के प्रेम में इतना डूब गए कि जब वो लॉकडाउन से बाहर आए तो उनके चेहरे चमक रहे थे, उनका अलग नूर था, उनके अंदर अलग प्रकाशन था। हम कौन सी परिस्थिति में खड़े हैं, हम कहां खड़े हैं? क्या हम आज भी बोल रहे हैं कि प्रभु आपने सब कुछ बेकार कर दिया इस 2020 को? नहीं, प्रभु कुछ सिखाना चाह रहा है, परमेश्वर कुछ बताना चाह रहा है। जो इस संसार को चलाने वाले हाकिम है और जो कहते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, परमेश्वर कहना चाह रहा है कि जब तक मैं ना चाहूं तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हर एक अधिकारी को, हर एक विद्वान को परमेश्वर ने 2 मिनट में शांत बिठा दिया, सबकी बोलती बंद कर दी। और प्रभु का वचन कहता है कि अपने समान, अपने पड़ोसी से प्रेम कर। प्रेम सब व्यवस्थाओं को पूरी कर देता है। ये जो व्यवस्था लिखी है ना, इस पूरी व्यवस्था को पूरे करने वाला सिर्फ एक शब्द है, वो है परमेश्वर का प्रेम। प्रभु ने 2 आज्ञा दी, और महान आज्ञा क्या है, बड़ी आज्ञा, अपने सारे बुद्धि, अपने सारे प्राण, अपने सारे मन, अपने परमेश्वर से प्रेम रख। और दूसरी महान आज्ञा क्या है, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम। कौन है पड़ोसी आपका? हो सकता है आपके ऑफिस में आपके बराबर में बैठा हुआ व्यक्ति आपका पड़ोसी हो, आपका रिश्ता उससे कैसा है? हो सकता है आपके घर के अंदर बराबर वाला व्यक्ति आपका पड़ोसी हो, हो सकता है आपके रोजमर्रा के जीवन में आपके साथ रहने वाला आपका पड़ोसी हो, आपके रोड पे चलते हुए वो व्यक्ति आपका पड़ोसी हो जो हमेशा आपके साथ सफर करता है। हर एक ऐसा व्यक्ति जो आपके सामने आता है वो आपका पड़ोसी है। और प्रभु का वचन कहता है अपने समान अपने पड़ोसी से। आज मनुष्य अपने से कितना प्रेम करता है, कितना प्रेम करते हैं आप अपने आप से? सेल्फी सिस्टम क्यों बना? सेल्फिश से सेल्फी हो गया। सेल्फिश का मतलब क्या होता है? स्वार्थी। सेल्फिश से सेल्फी बना, और सेल्फी के अंदर अपने आप को देखना, अपने आप को अच्छा दिखाना, अपने आप को ताकते रहना, सेल्फी से सेल्फिश से सेल्फी हो गया, है ना? और फिर लोग क्या करते हैं, पूरे संसार में क्या लगे हुए हैं, और आप एक चीज ध्यान देना, 10 जनों के ग्रुप में आप खड़े हैं, 10 जनों के ग्रुप में आपकी एक फोटो खींची है, और जब आप फोटो देखते हैं तो आप कितनों को देखते हैं उसमें? अपने आप को, है ना? आप किसी को नहीं देखेंगे उसमें, आप जूम करेंगे, मैं कैसे खड़ा हूं, मैंने चेहरा कैसा बना रखा है, मेरे बाल ठीक है या नहीं है। आपकी फोटो अगर ठीक नहीं है तो फोटो बेकार है, बाकी नोकी अच्छी आ रही है। क्या हो गया? सेल्फिश। जो सेल्फी बन रही है वो सेल्फिश मतलब स्वार्थ को दर्शा रही है कि अगर मैं ठीक नहीं लग रहा तो सब कुछ बेकार है। क्या हमने दूसरों को देख के उसकी तारीफ करी?
कई बारी लोग नाराज हो जाते हैं, पिछले साल या उससे पिछले साल मेरे साथ बहुत हुआ है, क्रिसमस पे लोग नाराज होते हैं कि पास्टर जी हमारी कैमरा मैन ने फोटो नहीं खींची, हमारी तो एल्बम में फोटो ही नहीं है। अब मैं उससे बोलता हूँ, भाई मैंने कैमरा मैन को मना थोड़ी ना करा था, आप उसके पास जाओ फोटो खिंचवा लो, है ना, हम आज के बाद चर्च नहीं आएंगे, आपने फोटो नहीं खिंचवाई। अरे भाई मैं कैमरा लेके थोड़ा ना घूम रहा था, मेरा काम है कैमरे वाले को बुक करा देना, आप सबका काम है उसको मैनेज करना, और उसको जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ कुछ खींचता रहेगा फोटो। हमने उसको एक बात बोली है कि भाई सबके लिए नहीं है, लेकिन लोग अपने आप को देखना चाहते हैं कि वो खुद से बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर इस बात को जानता था कि मनुष्य अपने आप से बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है वो अपने आप से, और जानता था आज 2020 के अंदर इतना सिस्टम बढ़ जाएगा कि लोग सेल्फी बन जाएंगे, है ना, आज बच्चे को भी पता है सेल्फी क्या होती है। छोटा बच्चा मैंने देखा एक जगह, जब उसकी फोटो खींचती है ना, साल डेढ़ साल का होता है तो वो बना लेता है होंठ निकाल लेता है बाहर, और माँ बाप कहते हैं कितने अच्छी सेल्फी ले रहा है, है ना, बचपन से वो स्वार्थ उसके अंदर घुस गया है। ऐसा नहीं है कि अपने आप को देखना, अपने आप को अच्छा बनाना, परमेश्वर चाहता है कि हम बहुत खूबसूरत रहें, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के जने और परमेश्वर का नूर और उसका अभिषेक हम पर नजर आना चाहिए। लेकिन परमेश्वर का वचन उसी के साथ दूसरी बात भी बोलता है कि अपने समान, हालेलुया हालेलुया, अपने समान। अब अपने समान जब अपने पड़ोसी से प्रेम रखेंगे तो उसको भी उसी नजर से भी देखेंगे जिस नजर से हम अपने आप को देखते हैं। लेकिन बहुत सारा जीवन, बहुत सारा ये पूरा साल शायद स्वार्थीपन में हमारा निकल गया। हो सकता है हम किसी को क्षमा नहीं कर पाए, किसी के साथ हमारी लड़ाई हुई और हम उससे बात नहीं कर पाए, किसी के साथ हमारा जीवन मतलब हमारे रिश्ते नहीं ठीक हो पाए, हो सकता है कि बहुत तकलीफ लोगों ने दिया आपको, हो सकता है आपको बीते समय में बहुत से लोगों ने धोखा दिया है, आपके पैसे को लूटा है, आपका गलत तरीके से इस्तेमाल कराया, बहुत कुछ आपके साथ कुछ गलत हुआ है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि एक के गलत होने से क्या परमेश्वर की महिमा व्यर्थ ठहरती है। ध्यान से सुनना, परमेश्वर का वचन कहता है एक व्यक्ति के गलत होने से क्या परमेश्वर की महिमा गलत ठहरती है। हालेलुया हालेलुया। अगर एक व्यक्ति गलत हो गया तो क्या प्रभु गलत हो गया? नहीं, परमेश्वर कभी गलत नहीं हो सकता। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम इसी का आठवां अध्याय और उसका अगर हम 35 वचन लिखा है, कौन हमें हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन सी चीज है ऐसी जो परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग कर सकती है? क्या कलेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या नंगाई, क्या जोखिम या तलवार? हालेलुया, ये सब कुछ इस साल में बीता है, ये सब कुछ इस साल में होकर चला गया, ये सब कुछ आया इस संसार के अंदर 2020 के अंदर, जो लॉकडाउन आया उसके अंदर कलेश लोगों के जीवन में आया, संकट आए, आपस में लड़ाइयां होने लगी, अकाल यानी कि भुखमरी आने लग गई, लोग नंगे और भूखे रहने लग गए, जोखिमों में लोग रहने लग गए, आत्महत्या लोगों ने करनी चालू कर दी, एक दूसरे को मारना चालू कर दिया। लेकिन मसीह का प्रेम जो है इन सब चीजों को हटा करके परमेश्वर के साथ जोड़ता है और कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है अपने पड़ोसी से प्रेम करो। शास्त्र बताता है कि
दो व्यक्ति प्रभु के भवन में आए और दोनों भेंट लेकर आए, और जब दोनों भेंट लेकर आए तो प्रभु ने एक से बोला कि जा पहले अपने भाई को क्षमा करके आ, तब मैं तेरी भेंट स्वीकार करूंगा। आज बीते समय में परमेश्वर एक बात से बहुत झंझोड़ रहा है इस साल की शुरुआत से कि अंत निकट है, बादलों पे कब प्रभु आ जाए और अपने लोगों को लेके चले जाए वो दिन कभी भी हो सकता है, क्योंकि एंटी क्राइस्ट का समय आने वाला है और उसकी शुरुआत हो चुकी है और सब कुछ चिन्ह और ऐसे काम जो अंत के समय में नजर आ रहे हैं। हम लास्ट पड़ाव पे हैं और लास्ट पड़ाव पे होने के बाद कुछ नहीं पता कि कब प्रभु आए और हमें लेके चला जाए, लेकिन बाइबल में लिखा है कि प्रभु ने कहा कि जब तू मेरे पास आए, ध्यान से सुनना, आज प्रभु बादलों पे खड़ा है और बादलों पे खड़े अपने लोगों को उठा करके अपने पास बुलाना चाह रहा है। आज प्रभु बादलों पे आएगा और आने के बाद जब बादलों पे खड़ा होगा प्रभु, वो अंत समय के अंदर जब तुरियां फूकी जाएंगी तो प्रभु का काम क्या होगा, जो उसके चुने हुए उसके सामने खड़े होंगे और बदल जाएंगे। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है कि जब तू मेरे पास आए, उस आने से पहले अपने भाई को, अपने पड़ोसी को जिसके प्रति तूने गलत किया या गलत तेरे उसने तेरे प्रति करा, क्षमा कर। आज हम पिछले कई साल से एक बोझ को लेके चल रहे हैं, हम किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे, हम किसी से क्षमा नहीं मांग पा रहे, हम बहुत सी बातों में फंसे हुए हैं, हम बहुत सी ऐसी चीजों में फंसे हुए हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। कई लोग कहेंगे कि पास्टर जी बहुत मुश्किल है, आप कहते तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। तो भाई बहुत मुश्किल है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना भी, बहुत मुश्किल है प्रभु के भवन के अंदर उसके स्वर्ग के राज्यों में आप बादलों के ऊपर उसके सामने खड़े होना भी। हो सकता है वो व्यक्ति जो कहा कि अपने भाई को क्षमा करके आया, वो जाने के बाद शायद दोबारा वापसी ना आया हो, क्या हम भी उसी के जैसे उसी के समान बन जाएं कि प्रभु जब बादलों पर आए और कहे मेरे पास आने से पहले माफ कर और ये समय मैंने तुझे दिया है। ध्यान से सुनना, रात बहुत बीत गई है, शास्त्र में क्या लिखा है, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, अच्छा है कि रात ही रात में काम कर लो, जब दिन निकलेगा तो उसमें काम नहीं। जिस दिन पुत्र बादलों पर अपनी दुल्हन को लेने आ गया तो उसके बाद कोई काम नहीं होने वाला, जब तक जीवन है कर सकते हो, जिस दिन ये प्राण इसमें से, आत्मा और प्राण शरीर में से निकल गए तो कोई काम करने वाला नहीं है। अभी भागने का समय है, अभी माफ करने का समय है, अभी माफी मांगने का समय है, अभी हमें एक होने का समय है, अभी परमेश्वर की उपस्थिति में आने का समय है। पर ये चार दिन बहुत भैसे बिताने हैं, अपने परिवार में बैठना है, अपने उन बातों को याद करना है, आपस में प्रार्थना करनी है और जाना है उस व्यक्ति के पास और जाकर के उसके साथ बैठ करके अपने बात को खत्म करना है। हम हर साल उस बोझ को लेकर के आगे नहीं चल सकते, हम ठहर जाएंगे और हमारा ठहर जाना खत्म हो जाएगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है आपस के प्रेम को छोड़ किसी और बात में कर्जदार, किसी और बात यानी कि किसी भी बात में दुश्मनी में कर्जदार नहीं होना, झगड़े में कर्जदार नहीं होना, कलेशों में कर्जदार नहीं होना, पैसे में कर्जदार नहीं होना। सिर्फ कर्जदार होना है तो इतना कार्य करो कि परमेश्वर का प्रेम लोगों का आपके भीतर से निकले और लोग कर्जदार हो जाएं और कहें कि ये है परमेश्वर का भक्त, क्योंकि प्रभु भी प्रेम करता है और इसमें भी प्रेम करता है। हालेलुया। प्रभु हमसे चाहता है 2021 में प्रवेश करने से पहले हम अपने आप को जांचें, हम टटोले अपने अंदर। हमने 2021 में 20 में बहुत भार देखा, इधर उधर सब कुछ देखा हमने, कहां क्या चल रहा है, कौन सी कंट्री में क्या चल रहा है, कौन सी जगह कौन सा वायरस आ गया, कौन सा क्या हो गया, सब कुछ देखा हमने। अगले चार दिन भार ना देख करके अपने अंदर देखे,
अपने अंदर जांचें, प्रार्थना करें और प्रभु के सम्मुख आ जाएं और कहें कि प्रभु मुझे सिखा, मुझे बता के मुझे क्या करना चाहिए। हो सकता है प्रभु आपको आज्ञा देगा कि जिससे आपकी सबसे ज्यादा दुश्मनी है खड़ा हो और उसके पास जा, जिसने आपको सबसे ज्यादा धोखा दिया प्रभु कहना चाहता है खड़ा हो और उसके पास जा। हो सकता है किसी को आपकी जरूरत है, खड़े हो और उसके पास जाके दया करो। परमेश्वर चाहता है कि नया वर्ष एक शुरुआत जब हो एक प्रेम के साथ। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, और जो परमेश्वर में बना रहता है वो प्रेम में बना रहता है। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका अगर हम 13 वचन पढ़े, ध्यान से सुनना। हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ बाइबल अध्ययन करते हैं, सब कुछ हम करते हैं, पर अब विश्वास, आशा प्रेम, ये तीनों स्थाई है। तीन चीज परमेश्वर ने स्थाई यानी कि स्थिर बताई है हमारे एक मसीह जीवन में। ये तीन चीज स्थिर होनी चाहिए। नंबर एक विश्वास, नंबर दो आशा। विश्वास किस पे? परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर पे विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है। आशा, हर बात में हमें आशा रखनी है कि प्रभु आप मेरे लिए कर सकते हैं। प्रेम, अपने समान अपने पड़ोसी से भी प्रेम करना है। ये तीनों चीज मसीह जीवन में होनी चाहिए। और आगे लिखा हुआ है पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। इन सब में सबसे बड़ा, हालेलुया हालेलुया, इन सब में, बोलो इन सब में सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया, उससे बड़ा कुछ नहीं है। आज हमें अपने जीवन को जांचना है। जब हम प्रेम रखेंगे और जब हम प्रेम करेंगे एक दूसरे के समान, प्रेम भी बहुत तरीके के हैं ना, लेकिन जो पवित्र प्रेम होता है हम उसकी बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी को जाकर के लड़का लड़की को गर्लफ्रेंड बना ले मैं प्रेम करता हूँ, लड़की लड़के को बना ले बॉयफ्रेंड, नहीं। परमेश्वर पवित्र प्रेम की बात करता है। वो पवित्र प्रेम जो परमेश्वर ने हमसे किया, परमेश्वर चाहता है कि हम भी लोगों के साथ करें। इस संसार में बहुत से लोग हैं जो एक दूसरे के साथ चल तो रहे लेकिन अंदर एक कड़वाहट, एक अंदर एक ऐसी बात रहती है कि नहीं मैं इसका चेहरा तो नहीं देखना चाहता लेकिन फिर भी देख रहा हूं, है ना, मैं इसको झेल रहा हूं। लेकिन प्रभु का कहता है प्रेम कर। आज मनुष्य की सबसे ज्यादा जरूरत क्या है आज के टाइम में? प्रेम। क्योंकि आपका प्रेम जो परमेश्वर का प्रेम है वो आप में नजर आना चाहिए, और जब आपके अंदर वो प्रेम नजर आएगा तो सामने वाला व्यक्ति बदल जाएगा। आमेन। इसलिए हमें आज, मैं आपको एक ही काम देना चाहता हूँ, आगे आने वाले 4 दिन जांचें अपने आप को, संसार में ना देखें भीतर देखें, और अंदर देख करके अपने आप को देख कर कहें कि क्या बदलाव की जरूरत है। प्रभु का वचन कहता है रोमियों 13 अध्याय और उसका 8 वचन, है ना, रोमियों 13 अध्याय उसका 8 वचन, आपस में प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना होना, क्योंकि परमेश्वर जो दूसरों से प्रेम रखता है, परमेश्वर जो दूसरों से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। जो दूसरों से प्रेम रखता है वो इस व्यवस्था को, आमेन। हो सकता है बहुत सारे पूरे साल में बहुत सारी व्यवस्था हमने पूरी ना की हो, बहुत सारी बातें हमने बाइबल के अंदर छोड़ दी हो, लेकिन एक चीज इन सब चीजों को ढाप देती है, वो है प्रेम। और जब हम नए साल में प्रवेश करेंगे ना, एक शांति के साथ प्रवेश करेंगे,
एक अभिषेक के साथ प्रवेश करेंगे, और जब उसके साथ प्रवेश करेंगे तो पूरा साल आशीष में हो जाएगा। आमीन, आमीन। चाचे आइए आंखें बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। मैं चाहूंगा कि दो मिनट अपनी आंखें बंद रखें, शांत रहें, और आज प्रभु को बात करने दें कि प्रभु मैं आज अपने भीतर झांकता हूं, पिता मैं अपने भीतर झांकती हूं, प्रभु आप मुझसे बातें करें। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। Hallelujah, 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 pavitra, tu pavitra, tu pavitra, Yeshu, sare jahan mein तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं, घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपका वचन कहता है आपस में प्रेम को छोड़ और किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो प्रेम करता है वो व्यवस्थाओं को पूरा करता है। प्रभु आज होने दे, ये पूरे वर्ष परमेश्वर आपने संभाल कर रखा, लेकिन हमने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया है प्रभु। हमने हर परिस्थिति को देखा है और आपने हमें संभाला है प्रभु। हमने कहा प्रभु जिस प्रकार तुम अपने विरोधियों को क्षमा करते हो मैं भी तुम्हें क्षमा करूंगा। तो खुदावन आज हम तेरे सम्मुख आते हैं और हमें ताकत दे पिता, ताकि परमेश्वर आपके इस वचन को पूरा करने पाए, तेरे लोग तेरे वचन को पूरा करें और एक अच्छे रिश्ते के साथ एक नए वर्ष में जब जाते हैं प्रभु, खुदावन अपने आप को तैयार करें ताकि मसीह आपका प्रेम और आपका तेज आपके लोगों में चमके। धन्यवाद करता हूं। अगर कोई बीमार है प्रभु आप छू कर चंगा कर, पूरी रीति से स्वस्थ कर प्रभु, ताकि तेरा अनुग्रह हर एक पर हो जाए और तेरे दो तेरे बेटे और बेटी चंगे हो जाएंगे। यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमेन, 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 आमेन।